दही के साथ कॉफी मिलाकर आज हम ऐसी टेस्टी रेसिपी बनाएंगे कि गर्मी में आपको मजा आ जाएगा। और अगर आप एक कॉफी लवर है, आपको कॉफी की खुशबू से, उसके फ्लेवर से ही जी ललचा जाता है, तब तो ये रेसिपी आपका दिल जीत लेगी। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप इसे बार बार जरूर बनाएंगे। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, नीट एमिशस पर आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ये दही कॉफी लस्सी। तो फिर चलिए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप फ्रेश दही ली है। यहाँ पर दही को मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है। आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पुरानी दही या फिर एकदम खट्टी दही का इस्तेमाल ना करें। तो दही को हल्का सा फेंटने के बाद अब इसमें हम मिलाएंगे कॉफ़ी। तो जो इंस्टेंट कॉफ़ी के पाउडर आते हैं हम वही इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी कंपनी का, अपनी पसंद का कॉफ़ी पाउडर इसमें डाल सकते हैं। और दही के साथ हम कॉफ़ी के पाउडर को अच्छे से मिला लेंगे। एक तरह से दही के अंदर हम जब कॉफ़ी इस तरह से मिलाते हैं तो इसका फ्लेवर दही के अंदर बहुत ही अच्छे से आ जाता है और बहुत ही बढ़िया इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर और स्वाद निकल कर आता है। तो जो आज हम कॉफ़ी की स्पेशल वाली लस्सी बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए आप, जब कॉफ़ी दही के साथ अच्छे से मिल जाएगी तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें अच्छे से मिल चुकी है। तो अब हम इस मिश्रण को ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सी के जार में। आप चाहें तो दोनों ही चीज़ों को एक साथ मिक्सी के ब्लेंडर जार में ही डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आपको अच्छे से बताना है तो मैंने पहले इस तरह से इसको मिलाया है। और अब इसमें हम डालेंगे मलाई, क्योंकि लस्सी मलाईदार होती है तभी मज़ेदार लगती है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो दूध की मलाई होती है वही इसमें डाल रही हूँ। तो ये फ्रेश दूध की मलाई मैंने इसमें डाली है, लगभग 2 टेबल स्पून। और फिर इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा लजीज आएगा। वैसे अगर आपके पास ये मिल्क पाउडर नहीं है तो आप बिना इसके भी बना सकते हैं। और फिर मैं ले रही हूँ ये भीगे हुए बादाम, जिनके के छिलके मैंने हटा लिए हैं। तो ये 6 से 7 बादाम हम इसमें डाल देंगे। बादाम का तो आपको पता ही है कि ये कितने ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और जब हम इसे इस तरह से पानी में भिगोकर और फिर इस्तेमाल करते हैं तो गर्मियों में इसे खाना और भी ज़्यादा सेहतमंद हो जाता है। और फिर जब हम इसे पीते हैं तो पीते टाइम जब छोटे छोटे से बादाम के चंक्स मुंह में आते हैं तो एकदम से मज़ा आ जाता है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे मिठास के लिए चीनी। तो मैंने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून चीनी डाली है। चीनी आपको कम या ज़्यादा करनी है तो आप बेशक कर सकते हैं, जिस तरह का आपका टेस्ट है उस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। मैंने इसमें चीनी के बाद दूध डाला है, जो कि एकदम ठंडा दूध है, और मैंने 1 कप दूध इसमें डाला है। आपको जिस तरह की गाढ़ी लस्सी पसंद है उतना कम या ज़्यादा दूध भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चाहे तो दूध की जगह पर पानी भी डाल सकते हैं, और अब इसमें आप चाहें तो आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ठंडा दूध डाला है तो बस मैं इसमें आइस क्यूब्स नहीं डाल रही हूँ। तो बस अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और बस फिर इस तपती हुई गर्मी में हम इस ठंडी ठंडी कॉफ़ी की लस्सी को ग्लास में सर्व करेंगे। मैंने इस कॉफ़ी की लस्सी को मिल्क शेक के स्टाइल में बनाया है, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखी है। अगर आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा गाढ़ी रख सकते हैं, जिस तरह से आप इसको पसंद करें वैसे आप इसको बनाएं। और फिर इसके अंदर जो थोड़े बहुत जाग बनते हैं वो हम इस पर इस तरह से सर्व कर देंगे, जो कि पीते टाइम और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। तो बस अब अगर आपका भी जी ललचा रहा हो और इसे देखकर मुंह में पानी आ रहा हो और घर में आपके दही और कॉफ़ी दोनों तैयार है, तो बस आप भी इसे बनाएं और अपने पूरे परिवार के साथ इन गर्मियों में इसके मज़े उठाएं। इस तरह से ये हमारी ठंडी ठंडी कॉफ़ी लस्सी बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनी है। तो आप भी इसे बनाइए, खुद भी पीजिए और पूरे परिवार को भी पिलाइए, सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल ईटी अमिशस को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज मिलती रहें। और नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस कॉफ़ी लस्सी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईटी अमिशस।